पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पश्चिम उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष आर्यन त्यागी आज मुरादाबाद पहुंचे। शहर के बुद्धि विहार स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर पहुंचकर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। वहीं उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि 25 जनवरी को मुरादाबाद की 4 विधानसभाओं में नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेशों को सुनाया जाएगा और युवाओं को प्रधानमंत्री का लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा, जिसमें वो युवाओं से सीधे लाइव संवाद करेंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने कहा कि 1 जनवरी से 25 जनवरी तक युवा मतदाताओं को संगठन से जोड़ने के साथ मतदाता सूची में पंजीकरण कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। हर विधानसभा से 1000 युवा मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने के लिए कार्य किया जा रहा है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष अरुण पंडित, कोषाध्यक्ष अभिनव गुप्ता, महामंत्री अशोक चौहान, मंत्री अभिषेक राठौर, उपाध्यक्ष लकी चौधरी, कार्यालय प्रभारी अभिषेक सिंह, सोशल मीडिया प्रभारी ठाकुर अक्षय गुप्ता, रोहित राजपूत, अमन ठाकुर, नितिन शर्मा, कशिश चौहान आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये सुनिश्चित किया गया था कि उत्तर प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा 403 विधानसभाओं पे, हर विधानसभा पे दो दो स्थानों पे हम लोगों को नव मतदाता सम्मेलनों का आयोजन करना है। यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश पे 806 प्रोग्राम 25 तारीख को होने सुनिश्चित तय हुए हैं। इन मतदाता सम्मेलन पे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वर्चुअल माध्यम से नव मतदाताओं से डायरेक्ट जुड़ने का काम करेंगे। सम्मेलन का मुख्य महत्व ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यू वोटर्स, जो पहली बार वोट देने दे रहे हैं, उनको भारी से भारी संख्या पे पार्टी से जोड़ना है। वह उनसे निवेदन करना है कि भारी से भारी संख्या पे वोट देके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भाई साहब को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। 1 जनवरी से इस कार्यक्रम की शुरुआत घर से हो चुकी है, लेकिन 25 तारीख से क्या विशेष होने वाला है कि जो इस कार्यक्रम को फिर से गति? 25 तारीख का विशेष ये है कि हमें कम से कम सम्मेलन पे 1000 न्यू वोटर्स को जोड़ने का काम करना है। 1000 से कम उस पर संख्या हम नहीं रखेंगे। और सम्मेलन का महत्व ये है कि जो न्यू वोटर्स है उन तक अपनी नीतियों को पहुँचाए। वह भारतीय जनता पार्टी का देश पे दोबारा आना, तीसरी बार सरकार बनाना क्यों जरूरी है, ये महत्व उन्हें समझाना है। नव मतदाता, नए अवसर, और शीर्ष नेतृत्व ने 1 तारीख से 25 तारीख तक एक कैलेंडर जारी किया था, जिसमें अलग अलग तिथियों में अलग अलग कार्यक्रम करने के लिए निर्देश था। जैसे कि विभिन्न प्रकार के कोचिंग सेंटर हो गए, इंस्टीट्यूट हो गए, जिम हो गए, स्टेडियम हो गए, क्लब हो गए, इन सभी में जा करके हमने नव मतदाता पंजीकरण का काम किया और नमो ऐप डाउनलोड कराने का काम किया। और अधिक से अधिक युवाओं को सरकार से संबंधित जो योजनाएं चल रही हैं युवाओं के प्रति, उनके प्रति जागरूक करने का काम किया। 25 तारीख में जो ये कार्यक्रम है अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम है। अनूठा इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि प्रत्येक विधानसभा में दो दो स्थानों पर यह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, सभी जगह किए, पूरे देश भर में किए जा रहे हैं। और ज़िले में चूंकि 4 विधानसभाएं हैं, प्रत्येक विधानसभा में 2 जगह कार्यक्रम आयोजित हैं, जिसमें 1000 की संख्या हमारी रहने वाली प्रत्येक कार्यक्रम में। और इसमें जो आयु वर्ग है वो करीब 18 साल से 23 साल तक का जो युवा है वो इसमें रहेगा। और माननीय मोदी जी का कहना भी है कि जो नव मतदाता है वो नए भारत का आधार रहेगा। तो अपने आप में एक विशेष कार्यक्रम है कि मोदी जी वर्चुअली सभी इन नव मतदाताओं से जुड़ेंगे, बात करेंगे और सरकार के प्रति और उनकी योजनाओं के प्रति उनका मन लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, 1-to-1 करेंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।